Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 15th July 2022. Well, in this video lecture, we will discuss important current affairs. Today, we video cover four important topics. cover. Wale First one is about the Global Gender Gap Index. Then, we'll talk about dark matter, Neeti Aayog. And then, there's a species in news, which is red pandas. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो कि जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में है ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम जेंडर गैप की बात करते हैं इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोशल इशू एंड देर फॉर दिस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इस इंडेक्स की जो फाइंडिंग्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर वन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू सोशल इशूज पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हमें समझ में आ रही है पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह पता होना चाहिए कि एक तो इंडेक्स रिलीज किसने किया है सो द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूफ आपको सीधा ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो पिछले साल में जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो किसने रिलीज की हैं इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो पहली चीज तो आपने यहीं पे क्लियर कर दी है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड नो द मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट इस रिपोर्ट में क्या मेजर की फाइंडिंग्स हैं, वो वैसे भी आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा वेन यू राइटिंग अबाउट जेंडर गैप इन जी एस पेपर वन तो इसकी रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग है दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्टेंट प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए सो दैट विल ऑल्सो कवर इन दिस वीडियो सो लेट्स बिगिन विद सबसे पहले जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें सो अकॉर्डिंग टू दर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिस इज द लॉन्ग स्टैंडिंग इंडेक्स 2006 से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आ रहा है 2006 से लेकर अब तक हमारी जो प्रोग्रेस है उसे हम ट्रैक कर सकते हैं राधा ये इंडेक्स हमारी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा है दैट हाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स क्लोजिंग द जेंडर गैप ओवर दू नो टाइम पीरियड सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006 जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना दिस इज अ काइंड ऑफ बेंचमार्क जब भी जेंडर पैरिटी की बात आती है तो इट इज अ बेंचमार्क इसमें फोर डायमेंशन के अक्रॉस इवेलुएशन की जाती है what are these four dimensions? first one is economic partnership and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. so now think about it. gender gap, so keep in mind that whenever you're writing about an answer related to gender gap, you know, in your mains examination, so these are four dimensions that you need to cover you think about economic participation and opportunity you'll think about education you'll think about health and survival and you also have to write about the political empowerment these are four dimensions when we talk about the gender gap and then in this index all of these four dimensions they are given they are evaluated on each of the four sub indices एज वेल एजर ऑल ओवरऑल इंडेक्स इज ऑल्सो गिवेन तो हर एक इंडाइक्स के हिसाब से भी यहाँ पे इवेलुएशन होती है और ओवरऑल जेंडर गैप इंडेक्स में स्कोर प्रोवाइड होता है बिटवीन जीरो एंड अब अगर किसी को जीरो स्कोर मिला है तो मतलब वहां पर देर इज कम्प्लीटली देर इज नो पार्शियलिटी इम्पेरिटी सिचुएशन और अगर वन स्कोर आता है इट शोज दैट दिस पर्टिकुलर कंट्री हैज फुल जेंडर पैरिटी सो द क्रॉस कंट्री कंपेरिजन इट बेसिकली हेल्प टू सपोर्ट यू नो दूशन ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज जिससे कि आपके पास जो जेंडर गैप है वो क्लोज हो सकता है जिन कंट्रीज का स्कोर अच्छा आ रहा है वहां से बाकी कंट्रीज लर्न कर सकते हैं इट्स अ गुड इवेल्युएशन टू चेक कि जो पॉलिसीज हैं वो सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं या नहीं तो नाउ इस साल का जो जेंडर गैप इंडेक्स है इसकी मेजर फाइंडिंग्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स इंडिया रैंक 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज हमारा रैंक 135 आ चुका है इससे पहले 2021 में आउट ऑफ 156 कंट्रीज इंडिया का रैंक 140 था सो so, इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है पहले 140 था अब 135 हुआ है स्कोर की इंप्रूवमेंट देखिए तो 2021 में इट वो 0.625 एंड नाउ इट इज 0.629 अब ग्लोबली हम 135th रैंक पे पहुंच चुके हैं पहले जब इंडेक्स कंपाइल हुआ था 2006 में उस टाइम पे इंडिया का जो रैंक था इंडिया का जो स्कोर था वो जीरो पॉइंट फाइव नाइन था एंड तब से लेकर अब इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू नाउ वी हैव रीच द स्कोर ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स एट थ्री इसके बीच में ऑसिलेट होता रहा है हमारा स्कोर नाउ लास्ट सिक्सटीन ईयर्स में 0.629, दिस इज़ द नाइन दिस इज स्कोर जो कि हमारा इस साल आया है यहां पे सेकंड स्टेटमेंट में 156 कंट्रीज टाइपिंग मिस्टेक हो गई 146 कंट्रीज जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा गया है लास्ट ईयर 2021 में 140 रैंक था आउट ऑफ 146 कंट्रीज और आज इस साल 2022 में 135 रैंक है This is the second highest score ever in the last 16 years, the score of 0.629. लेकिन इससे पहले हमारा जो स्कोर है वो 0.683 तक भी पहुंच चुका है ऑसिलेशन 0.59 से लेकर 0.683 के बीच में रही है तो एक सिंगल चीज जो आपने याद रखनी है पहले तो आपको इस साल का रैंक पता होना चाहिए दैट इज वन पिछले साल का रैंक कितना था 140 तो इंडिया हैज इम्प्रूवड हमारा ओवरऑल स्कोर भी इंप्रूव हुआ है अपार्ट फ्रॉम दिस अब अगर हम डायमेंशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें सबसे पहला डायमेंशन हम देखते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे मेजर करेंगे ना यहां पे एक जो मेट्रिक्स लिए जाते हैं दिस इंक्लूड्स दी परसेंटेज ऑफ वेमेन इन पार्लियामेंट परसेंटेज ऑफ you know, in इन ministerial positions etc. इससे हम देखते हैं कि political एम्पावरमेंट कितनी है women की political पार्टिसिपेशन कितनी है हम सभी कैटेगरीज देखें अगर जितनी हमारी बाकी की फोर कैटेगरीज थी इंडिया का रैंक सबसे ज्यादा हाई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के केस में आया है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वी हैव एट फोर्टी एट्थ रैंक आउट ऑफ वन फोर्टी सिक्स कंट्रीज तो बाकी सभी डायमेंशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारा पोलिटिकल एम्पावरमेंट केस में रहा है अब रैंक फोर्टी एट्थ है लेकिन अगर हम स्कोर देखें तो वो काफी लो है इट इज जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन ओनली लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर मेट्रिक में हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा वर्सन अप ही हुआ है 2021 में 0.276 था और अब 2022 में 2, हो गया। द सिल्वर लाइनिंग इज की डिस्पाइट ऑफ द रिडक्शन ऑफ दिस स्कोर इंडिया का अभी भी जो ओवरऑल स्कोर है in terms of the political empowerment, वो global average से अबव है। इस कैटेगरी के अंदर बेस्ट रैंकिंग कैटेगरी कंट्रीज भी हैं। आइसलैंड

इनकम कितनी आ रही है इन सब पैरामीटर्स को देखकर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी के ऊपर परफॉर्मेंस देखी जाती है इस पर्टिकुलर पैरामीटर में इंडिया का रैंक काफ़ी लो है आउट ऑफ वन कंट्रीज इंडिया रैंक वन हालांकि 2021 के कंपैरिजन में हमारा स्कोर स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है 2021 में स्कोर था 0.326 जो कि इंक्रीज होकर फाइव जीरो पहुंच चुका है लास्ट ईयर इंडिया का रैंक वन फिफ्टी वन था एंड अब ये थोड़ा सा रैंक लो ही है आउट वन फोर्टी थ्री हो चुका है बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करें सो इंडिया स्कोर इज यू नो मच लोअर देन द ग्लोबल एवरेज हमारे नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो सिर्फ ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे कंट्रीज हैं विचार बिहाइंडो इंडिया इन दिस पर्टिकुलर मेट्रिक देन नेक्स्ट कम्स एजुकेशन एजुकेशन में यहाँ पे लिटरेसी रेट को देखा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी एजुकेशन में क्या एनरोलमेंट रेट्स रहे हैं इनको देखा जाता है सो ओवर हियर इंडिया रैंक्स वन हंड्रेड एंड सेवेंथ आउट ऑफ वन फोर्टी सिक्स एंड द स्कोर है लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 114 था और इस साल इंडिया का रैंक 107 है हेल्थ सर्वाइवल की बात करें तो दो मैट्रिक्स यहाँ पे आते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का इस बार जो रैंक है वो लास्ट है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सर्वाइवल वी आर एट वन रैंक ट्वेंटी में आउट ऑफ वन कंट्रीज इंडिया का रैंक वन था तो नथिंग हैज चेंज्ड मच अभी इंडिया 146 कंट्रीज में से लास्ट में रैंक करता है तो ये हमने देखा मेजर यू नो जहां जहाँ इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है इसके अलावा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पता होना चाहिए याद रखिएगा इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कोऑपोरेशन इस फोरम में जो पॉलिटिकल कल्चरल या फिर कुछ और लीडर्स हैं हमारे सोसाइटी के उन सबको एंगेज किया जाता है टू शेप ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्रियल इट इज एन इंडिपेंडेंट स्पेशल इंटरेस्ट इसका ओरिजिन में होता है एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन क्वार्टर ऑफ डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज इट जेनेवा स्विट्जरलैंड अदर देन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देर आर अदर Important reports which are published by the World Economic Forum. This includes Energy Transition Index, Global Competitiveness Index or report, Global IT Report. This, Global IT Report, is WEF along with Inciden, Cornell University, published publish. Karte then the one we are studying, Global Gender Gap Report, Global Risk Report, and Global Travel and Tourism Report. These are the important reports which are. Published by World Economic Forum. Now, जो हम ये एरियाज देख रहे हैं कि जेंडर गैप को लेकर गवर्नमेंट के कौन कौन से मेजर इनिशियटिव हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए uh, there is बेती बचाओ बेटी पढ़ाओ देर इज स्कीम फॉर गर्ल्स एंड गर्ल्स देर इज महिला शक्ति केंद्र देर इज ऑल्सो वर्किंग वॉस्टल एंड देर इज नेशनल स्कीम फॉर चिल्ड्रेन और वर्किंग मदर

मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक डार्क मैटर डार्क एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाता है सो रिसेंटली एलियोएक्स जेप्लिन लक्स जेप्लिन एल जेड इन साउथ एक्टा विच इज इन यू एस इट इज बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर इन द वर्ल्ड डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे सेंसिटिव जो कंसिडर किया गया है दैट इज लक्स जेप्लिन एलियोएक्स जेप्लिन Which is in U.S. South Dakota. Now, what is this universe in dark matter? See, बहुत सारे ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो बिलीव करते हैं दैट ओनली दर विजिबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज बेसिकली मैटर इन इट. जितना यूनिवर्स हम देख पा रहे हैं जो विजिबल है वो सिर्फ और सिर्फ फाइव परसेंट है They believe rest of what, what we are not able to see is dark matter and dark energy. And this was demonstrated through various indirect observations, calculations, experiments to search for these elusive particles. Now, universe may different different forces interact. There are four fundamental forces which are acting on all the particles. The there is nuclear force, strong nuclear force, weak nuclear force. There is electromagnetic force, and along with that there is gravitation force as well. So these all particles come up apply here, and all the interactions in the universe are a result of because of these four fundamental forces. Moving ahead, we should know what is dark matter. See, dark matter is made up of such particles. ट हैव अ चार्ज ऐसे पार्टिकल्स जिनका कोई चार्ज नहीं है एंड ऑल्सो दे डो नॉट इंटरैक्ट थ्रू और देट इंटरक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरक्शंस सो दीज पार्टिकल्स यू नो दैट आर डार्क दिस इज बिकॉज दे डोंट एमिट लाइट लाइट एमिट करना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है एंड जो डार्क मैटर है ये लाइट एमिट नहीं करता एंड This matter, because they possess mass like normal matter, so they don't interact through electromagnetic interactions, they interact through gravity. So, when it comes about detecting the dark matter, it is difficult to measure the evidences of dark matter because the gravitational force is extremely weak. So, the particle that interacts so weakly becomes rather elusive to detect.

कि जो वांटेड सिग्नल्स आ रहे हैं कैंडिडेट से कि नहीं दिस इज द एक्सटेंट ऑफ दैट नाउ अब डार्क मैटर न्यूज में क्यों है बिकॉज एक रिसेंट स्टडी हुई है ऑन डार्क मैटर सो दर इज दिस अंडरग्राउंड एक्सलेरेटर एक्सपेरिमेंट विच इंक्लूड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सलेरेटर विच इज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ये जो एक्सपेरिमेंट है दिस हैज फेल्ड सो फार एंड साइंटिस्ट दे कंसिडर दैट हॉकिंस की 1974 की जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ प्रीमॉडल ब्लैक होल विच आर बॉन्ड शॉर्टली आफ्टर द बिग बैंग इट इज नॉट कम्प्लीटेड सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट इज यूज टू लुक फॉर द प्रीमॉडल ब्लैक होल्स बिटवीन अर्थ एंड दोमेडा ग्लैक्सी अर्थ और एंड्रोमेडा गलेक्सी के बीच में तो ये कुछ प्रीमॉडल ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है

इट यूज दूल फेज ऑफ जी नॉन टेक्नोलॉजी लिक्विड एंड गैस बोथ एंड दिस इज लोकेटेड इन इटली इटली में एक लैब है uh, del Grand of in Italy. तो वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं डार्क एनर्जी डार्क मैटर तुमने देख लिया डार्क एनर्जी क्या है वी कैन सी दट इट इज एन हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इट बेसिकली एग्जर्ट नेगेटिव एंड रिपल्सिव प्रेशर तो मतलब ग्रेविटी से ये बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करती है इट हैज द ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टर व्हिच बेसिकली शो दैट यूनिवर्स इज गोइंग थ्रू एन एक्सेटेड पीरियड ऑफ एक्सपेंशन इस एक्सपेंशन को समझने के लिए जो ऑब्जर्वेशन है इसको देखने के लिए कि येस दर इज अ फोर्स विच इज यू नो एक्टिंग

जो बाकी डोमिनेंट्स हैं इसमें एटम्स आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैटर आ जाता है अटोमिक मैटर आ जाता है दिस इज द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स तो क्योंकि ये न्यूज में आया है एक छोटा सा ट्रिविया बन के आया था लेकिन यहाँ से एक हल्का सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी वो अगर आप एक बार गो थ्रू कर लें तो जो आपका अप्रोच है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है मूविंग अहेड नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नीति आयोग नीति आयोग भी न्यूज में है अगैन परमेश्वरम अय्यर हैज बीन सुपर हेडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैग हेड यू एस टी ट्वेंटी बिलियन स्वच्छ भारत मिशन ट्वेंटी बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स का जो मिशन था इसे इन्होंने हेड किया था नाउ ही हैज टेकन चार्ज एज अ सी ईओ ऑफ नीति आयोग सो परमेश्वरन आय्यर

आयोग दिस वॉज फॉर्मड थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इन फर्स्ट ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो कि 1950 के अंदर इंस्टीट्यूट किया गया था नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग की कॉम्पोजिशन देखें तो इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं एंड वाइस चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर

कौन कौन से एक्ट होने चाहिए उनकी बात होती है इट बेसिकली ब्रिंग्स दिस एक्ट टूगेदर एंड दे फॉर इट बिल्ड्स अप इट फॉस्टर्स कोऑपरेटिव वी कैन नो दैट्स पॉलिसी टैंक ऑफ इंडिया इट्स अ पॉलिसी थिंक टैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस और जो पॉलिसी इनपुट्स हैं वो नीति आयोग देता है It is also a relevant, strategic, and technical, you know, advice to central states and UTs. This is Niti Aayog is developing itself as a state-of-art resource center, through necessary knowledge hai, jo skills jo chahiye, It enables it to act with speed and promote research and innovation, and ultimately, it provides that.

Which aims to release about 20 red pandas in the period of 5 years. So, next 5 years, mein, 20 red pandas will be introduced. Therefore, it is important for us to know about red pandas. The scientific name of red panda is Elurus phyllangans. They are mostly largely vegetarian, they mainly eat young leaves and the shoots of bamboo. They also take fruits, roots, succulent grasses, acorns, lichens, birds' egg, insects, and all. Red pandas they're slightly larger than the domestic cat. They have like this bear-like body, and very thick russet fur on their body. Their belly and limbs are black, and also they have this white marking on the side of their head above its small eyes. It's a specific feature they're very shy they're very they live in a solitary they're very arboreal animals and they're considered as an indicator species of ecological change the habitat of red pandas they usually live in high altitude forests of nepal india bhutan myanmar china they live very close to water sources and intensely covered bamboo areas in eastern Himalayas, 50% of the red panda's habitat is present. If we talk about the protection status of red panda, they are currently endangered species uh, by the IOC and Red List. And their number is believed to be less than 10,000 individuals in the world. However, the exact figures are unknown. So, red panda, to introduce its features, its scientific name, iska habitat, its nature. इसकी बॉडी की डिस्क्रिप्शन इसका प्रोटेक्शन स्टेटस ये आपको पता होना चाहिए सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन थैंक यू